प्रोसेशन निकलता है उसके पूरे पुख्ता इंतजाम हैं। उसमें सभी लोगों से जो हमारे साहब के लोग हैं और आलमबरदार हैं, उन सब लोगों के मशवरे के हिसाब से मातमदारों को, बाकी जो लोग यहाँ आए उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना हो, इसके लिए साथ में डीजी के अलावा पे अपना काम करने के लिए, अपना ऑफर देखने के लिए, प्लस यहाँ पे जो पूरे इंतजाम हैं उसे देखने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और चूँकि एक दिन पहले ये विजिट खास तौर से इसलिए रखी गई है कि जिससे पूरे इंतजामों का हमें अंदाज़ा हो सके, क्योंकि इस बार हम हमारी उम्मीद ये है कि जो भीड़ होगी वो काफ़ी होगी, जो बहुत लोगों का पिछली बार जैसे नहीं आ पाए थे तो 2019 के तकरीबन और उससे भी ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है। तो उस वक्त में कैसे इंतजाम ऐसे किए जाएँ किसी जो भी किसी मातमदार को, खासतौर से हमारी लेडीज किसी की जल्दी दिक्कत,
तो उसके लिए बैरिकेडिंग हम लोग प्लान करेंगे। और खासतौर से आप सब लोगों को पता है कि जो एक अहम लम्हे होते हैं कि जब हम आलम को यहाँ से देश के हाथी के ऊपर हवारी पर बिठाया जाता है, उस टाइम पर खासतौर से मुकम्मल इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए और बहुत ही हिफाजत के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, उसके लिए हम और इंशाल्लाह सब लोगों के साथ और पुलिस भी पूरी तरीके से चौकस है। हमारे एसीपी साहब भी, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, डीसीपी साहब भी आने वाले हैं। सब लोगों को कल खुद सीपी साहब ने एक खास तौर से किसी पर मीटिंग करने के लिए कि किसी मातमदार को किसी किस्म की दिक्कत न हो, उनके सहूलियत के लिए क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं वो आगे आकर हैदराबाद की कोशिश करेंगे। और इसके मुहर्रम के मातम में हैदराबाद सिटी पुलिस भी पूरी तरीके से बहुत बहुत मुहर्रम के आगाज से लेकर आज तक मध्य तेलंगाना खासतौर पर सिटी पुलिस जानब से जो इंतजाम किए गए, इसके लिए शाम मुस्लिम कम्युनिटी आपको शुक्रिया अदा करती है। एलम ठीक एक बजे निकलेगा, जो 6.5 किलोमीटर का रास्ता मैं कहता हूँ वजी के इलाही के पास होगा, चौबीस मात्रों ने इख्तियार करने के लिए आप तमाम सब मातमदारों से भी मेरी गुजारिश है कि जो हम इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो इजाज़ देते हैं उसको पाबंद। थैंक यू।